हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शहडोल मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। डीन के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया है। शहडोल कमिश्नर ने यह आदेश निरस्त कर दिया है। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी निर्देश दिए थे, डीएमए को इसके लिए निर्देश जारी किया था। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर शहडोल मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। टीन के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया है। शहडोल कमिश्नर ने आदेश निरस्त कर दिया है। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डिविजनल कमिश्नर ने अपने अंतर्गत किसी अधिकारी को वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है, परंतु तो भी मैंने सीएमई को यह निर्देशन की सहमति से इंप्लीमेंटेशन ना। नीलम हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नीलम, ये किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश हैं और आगे क्या होगा? जी राहुल, देखिए शहडोल मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी डीन के ऊपर, ताकि जो महाविद्यालय है उसका प्रबंधन जो है ठीक से किया जाए, पर लगातार जो है इसका विरोध किया जा रहा था। खासतौर पर प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स का ये कहना था कि डीन के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति सही नहीं है। पिछले दिनों भी ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति डीन के ऊपर की। जब इस बात का लगातार विरोध मेडिकल टीचर्स की ओर से किया गया, तो इस अब जो ये आदेश जो जारी हुआ था उसे शहडोल संभागायुक्त ने निरस्त कर दिया है। यानी कि अब जो डीन के पास ही सारा कुछ प्रभार रहेगा। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए थे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कि इस तरह का कोई भी फैसला जो है बिना सलाह मशवरा के ना लिया जाए। ये बात ही सामने आ रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है मेडिकल कॉलेज में हावी हो जाएगी या हो सकती है, तो इसी बात का जो है विरोध किया जा रहा था। विरोध के बाद जो है अब इस आदेश को शहडोल संभागायुक्त ने वापस ले लिया है। राहुल, चलिए नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।